फिरोजाबाद के शिव शक्ति वृद्ध आश्रम समिति द्वारा आज प्रभु जी को अपने घर वापस भेजा गया। वहीं उनके माता पिता उनको लेने के लिए वृद्ध आश्रम अपना घर पहुंचे। अपने बेटे को देख बड़ा खुश हुए और अपना घर वालों को बड़ी दुआएं देते हुए कहा, आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। शिव शक्ति वृद्ध आश्रम फिरोजाबाद द्वारा संचालित अपना घर आश्रम में आज पिछले 4 वर्षों से हमारे बीच में प्रभु जियों के नाम से जो हम संबोधित करते हैं, जिन प्रभु जियों को जो मन बुद्धि अपायस गुंगे बहरे और जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोगों की यहाँ पर निरंतर शिव शक्ति वृद्धाश्रम समिति के द्वारा सेवा निःशुल्क सेवाएं की जा रही हैं और जो भी जारी है। आज इस आश्रम से लगभग 50 से 55 तक लोग ऐसे लोग हैं जिनको हमारे आश्रम के द्वारा और समिति के द्वारा उन लोगों के परिवार से मिलाया जा चुका है। यहाँ पर हमारा जो मेडिकल स्टाफ रहता है वो उन लोगों को उस मर्ज की दवाएं देता है जिस मर्ज के वो मरीज हैं, और उन दवाओं से उनकी याददाश्त वापस आने पर उन लोगों को परिवार के बारे में पूछा जाता है और उनको एनालिसिस करके उनके परिवार से को सूचित किया जाता है, और उसके द्वारा यहाँ पर हमारे आश्रम के द्वारा और हमारे सेवा साथियों के द्वारा उनको परिवार के सुपुर्द किया जाता है। आज इसी श्रृंखला में हमारे शिव शक्ति वृद्धाश्रम समिति फिरोजाबाद द्वारा संचालित अपना घर आश्रम से आज 3 प्रभु जी क्योंकि ऐसी विदाई हो रही है जिनके परिवार से उनको मिलाया जा रहा है, उनके सुपुर्द किया जा रहा है। ये हमारे राजेंद्र कुमार हैं, इनके पिताजी का नाम राम किशोर जी हैं, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और आज ये यहाँ पर हमारे आश्रम में आए हैं, और आज हमारे अध्यक्ष अनिल गर्ग और सचिव मुकेश कुमार गुप्ता मामा और हमारे सेवा साथियों द्वारा आज उनके समक्ष इनके परिवार को, ये उनका भाई है, उनका पिता, इनके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं, इनके भाई का क्या नाम अनिल कुमार जी यहाँ पर हैं, उनके मामा जी श्री भी यहाँ पर आए हैं, उनके बीच इनको आज उनके परिवार के बीच सुपुर्द किया जा रहा है।